यस सर, हम स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडी करेंट्स। अब अगला स्टार्ट इसमें अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको आप एडी करेंट्स का नाम देते हैं। अब देखिए, करेंट्स हमने कई तरह के पढ़े हैं। पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक करेंट, फिर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक करेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा है इंड्यूस्ड करेंट, और अब हम बात कर रहे हैं कौन से करेंट की, बच्चों एडी करेंट्स की। अब एडी क्या होता है? एडी का नाम आपने सुना होगा, एडी की शेप भी आप जानते होंगे क्या होगा, जिसको व्हर्लपूल्स इन द वाटर देखा है सभी बच्चों ने। कई बार हॉट समर डेज में एयर का बनता है, ऐसे सर्कुलेटिंग एयर बन जाती है, जिसमें व्हर्लपूल भी कहते हैं। पानी में आपने देखा होगा कई बार जब बहुत तेज फ्लो होता है पानी किसी रिवर में, कैनाल में, और उसमें कहीं कहीं इस तरह से आपका जो शेप बन जाती है, जो जिसको व्हर्लपूल्स कहते हैं, जिस शेप को एडी कहते हैं। तो ये कुछ जो करंट है वो एडी शेप में है, उसी शेप का कुछ करंट है। इस वजह से इन करंट्स को हम क्या कहते हैं? एडी करंट्स कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का करंट है तो इंड्यूस्ड करंट ही होगा, और वो जो इंड्यूस्ड करंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द करंट, इट इज कॉल्ड एडी करंट्स। ठीक है, ये एडी का मतलब हो गया बच्चों। अब जरा समझते हैं, आपने पढ़ा था कि कोई भी रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर और एनी फ्रेम ऑफ वायर, और जिसको हम फ्लो कराते हैं, किसमें से फ्लो कराते हैं, जो इसमें से आपका फ्लो करता है, ये कोई शेप है, और इस शेप में ये कोई आप वायर लेते हैं, और इस वायर आप इनवर्ड और आउटवर्ड ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड देन आइदर करंट फ्लोज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर और डिपेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉट ओनली द करंट इज इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर, इन द सर्कुलर फ्रेम ऑफ वायर, इन द ट्राइंगुलर फ्रेम ऑफ वायर और इन ए कॉइल, बट ऑल्सो द करंट इज डेवलप्ड इन द सॉलिड पीस ऑफ अ कंडक्टर, सॉलिड बॉडी ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी अगर सॉलिड बॉडी लेते हैं, कोई कंडक्टर का सॉलिड पीस लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ये कोई एक सॉलिड पीस इमेजिन करें, ये अगर सॉलिड पीस है, इसकी जगह अगर ये रख दिया जाए, तो इसमें किस तरीके का करंट डेवलप होगा वो हमें स्टडी करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी विच काइंड ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड इन सच काइंड ऑफ सॉलिड बॉडी व्हेन इट इज केप्ट इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस बॉडी चेंजेस। अगर किसी सॉलिड या बल्क पीस ऑफ द बॉडी के से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें जो करंट की शेप बनती है वो एडी शेप के करंट्स बनते हैं, इंड्यूस करंट होता है, उन्हीं को हम एडी करंट्स कहते हैं। एंड दीज करंट्स वर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज करंट्स वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फोकॉल्ट, और इनको इसी तरह से फोकॉल्ट्स करंट भी कहते हैं, फोकॉल्ट्स करंट। एंड दीज आर डिस्कवर्ड बाय फोकॉल्ट इन 1895 में उन्होंने इनको स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था, और इनको कभी कभी हम फोकॉल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। एडी तो फोकॉल्ट करंट तो इसलिए कहते हैं कि साइंटिस्ट के नाम पर इन करंट का नाम रखा गया, इंड्यूस करंट है, और एडी इसलिए कहते हैं इनकी शेप किससे होती है, एडी शेप की करंट बनती है। और हालांकि ये कौन सा करंट है, दीज आर द इंड्यूस्ड करंट विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ अ क्या बच्चों, मेटल शीट। जैसे हम इसको कह सकते हैं इन एडी करंट्स क्या होता है, दीज आर द करंट्स, these are the currents induced in solid piece of a metallic body when kept in when magnetic flux rather or achhi definition banate hain when magnetic flux linked with it changes. अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कई सारे कारण हमने बताए, by changing B, by changing area, by changing theta. आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, आप रोटेट करा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड रखिए, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाइए और उसके अंदर इसको रोटेट करा दीजिए शीट को, तो भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसका। आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दीजिए, तब भी इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जो एडी शेप के करंट बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द एडी करंट्स। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि बेसिकली दीज आर द इंड्यूस करंट बट नॉट इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर और इन ए कंडक्टर बट इन द कंडक्टिंग शीट और अ बल्क पीस ऑफ अ कंडक्टर। किसी बल्क पीस में, जैसे रेक्टेंगुलर शेप की कोई मेटेलिक शेप है या और कुछ दूसरी तरह की शेप आप ले सकते हैं, उन जो शीट में या उन तरह के सॉलिड कंडक्टर्स में जो करंट प्रोड्यूस होते हैं, रादर इंड्यूस होते हैं, उन्हीं को हम एडी करंट्स या फिर क्या कहते हैं, फोकॉल्ट करंट्स कहते हैं। अच्छा चलिए, इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि ये करंट का मतलब क्या और कैसे बनते हैं और किस तरह की शेप बनती है। देखिए बच्चों, पहला एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स टेक अ कॉपर और एनी शीट विच इज मेड ऑफ ए मेटल।
कोई भी एक मेटेलिक शीट ले लो एंड दिस मेटेलिक शीट इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड टू मेक अ वी आर स्टडिंग एडी करेंट्स पेंडुलम टू मेक ए पेंडुलम. ये आप एक पेंडुलम बनाते हैं. पेंडुलम में आप बॉब ना लेकर के क्या लेते हैं, कोई शीट लेते हैं. ये आपने कोई शीट ले ली और जब आप इस शीट को क्या करते हैं, यहां से शीट लेकर के और जब इसको आप ऑसिलेट कराते हैं देन इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर सम टाइम. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से और अल्टीमेटली द ऑसिलेशंस डाई एंड इट कम्स टू इट्स नेचुरल स्टेट. ठीक है, जैसे ये आपने कोई शीट ली, मेटेलिक शीट है, आयरन कॉपर की कोई शीट है, यहां से धागा लेकर इसको लटका दिया आपने और इसको आपने ऐसे ऑसिलेट कराया और रिलीज कर दिया, देन इट विल ऑसिलेट फॉर सम टाइम और धीरे धीरे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे. ये नेचुरल कंडीशन है जो आप पढ़ते हैं. लेट्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड. यहां एक मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लीजिए, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दीजिए एंड व्हेन दिस शीट इज अलाउड टू ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इट डजंट ऑसिलेट. और जब ये ऑसिलेट कर रहा था, जैसे हम इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि वहां आपने मैग्नेट बना के स्विच ऑन कर दिया, जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होगा देन ऑसिलेशंस डाई इमीडिएटली. ऑसिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ऑसिलेट नहीं करता है. अब ऑसिलेट क्यों नहीं करता है, क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, दिस शीट कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड बाय द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर्स. अब ये कोई शीट होती है, शीट को आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फिर उससे बड़े वाला आएगा, फिर उससे बड़े वाला आएगा, इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर फ्रेम्स यू कैन इमेजिन. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक छोटा फ्रेम है, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े का, फिर उससे बड़े साइज का, और इस तरह से पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाएगा. और हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में तो आपने देखा है कि इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें भी कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और जब इस तरीके का करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा और इन सबको आप अगर क्यूमुलेटिव वे में स्टडी करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, दिस इज द शेप. कौन सी शेप बनेगी, एडी शेप बनेगी. This is called eddy currents. And how can you say experimentally verify that कि इसमें eddy shape का current बनता है या ये current इसमें develop क्यों हुआ, वो ये experiment indicate करेगा. इसकी observation ये आई, as soon as it is kept in the magnetic field it doesn't oscillate or oscillations die immediately or very soon. ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा है जब एडी करंट डेवलप होते हैं, इंड्यूस करंट होते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजिट द कॉज ड्यू टू विच अकर्स. एंड व्हाट इज द कॉज, कॉज इज ऑसिलेशन. What is called oscillations. तो जैसे हम ऑसिलेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, हम ऑसिलेट कराएंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. क्यों चेंज होगा, थीटा चेंज होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और आप इसको ऑसिलेट करा रहे हैं ऐसे तो थीटा लगातार बदल रहा है, देखो थीटा ऐसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन एरिया की कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. और जब डायरेक्शन चेंज होती है, थीटा चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और ई क्या होता है, दैट इज माइनस डी फाइ बाई डी टी. फाई चेंज होगा यहां से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट डेवलप होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा और ये जो करंट होगा ये क्या करेगा, कॉज का अपोज करेगा. और कॉज क्या है, रोटेशन. तो यानी कि रोटेशन का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो ये जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से ये क्या नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा. ये कहिए और इसके अंदर इस तरीके से क्या डेवलप हो गए, करंट्स प्रोड्यूस हो गए हैं और इन्हीं करंट्स को आप क्या कहते हैं, एडी करंट्स. These are called eddy currents. And these eddy currents can never be finished. These currents can only be minimized. ये जो currents हमने दिया है can be minimized. इनको आप minimize तो कर सकते हैं, इनको कभी terminate नहीं कर सकते, finish नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, इनको कम कर सकते हैं. देखिए कम करने का तरीका बताते हैं. ये तो experiment first का A part हुआ. अब इसी experiment का हम दूसरा part बताते हैं आपको, इसका B part बताते हैं. B part में आप क्या करें, इसी experiment में do one thing now. ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, परफॉर्म किया, ये इसका बी पार्ट ले रहे हैं आप, ये आपने ये लिया इस तरह से. इस शीट को आपने क्या किया, फिंगर शेप में इसको कट कर दिया आपने. देखिए हमने इस तरीके से इसको कट कर दिया, ये यहां से कट हो गया, फिर एक कट हमने यहां से कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये वाला पोर्शन इसमें से कट हो गया है. देखो ये वाला पोर्शन इसमें से कट हो गया बच्चों, और ये यहां से ऐसे मिल गए हैं. और इस तरह से हम इसमें से कुछ पोर्शन को कट करते चले गए, फिर हमने यहां से एक पोर्शन, फिर हमने इसमें से कट कर दिया, ऐसे ऐसे बीच में से कट कर दिया, इस पोर्शन को कट कर दिया बीच बीच में से, ये हम बीच बीच में से कट करते जा रहे हैं इसमें, और ये शेप बन गया. ठीक है, पहले रेक्टेंगुलर शेप थी, अब इसमें हमने फिंगर शेप बना दिया. फिंगर शेप का मतलब है देखो ऐसे ऐसे समझ लीजिए,
पहले ये मेटेलिक शीट बिल्कुल इस तरीके से थी, अब बीच में से कुछ पोर्शन कट कर दे, जैसे बीच वाली फिंगर है ये आपने आपने यहाँ से हटा दी, माइनस कर दी, तो देखो बीच में गैप बन गया कि नहीं। फिर आपने एक और बीच में गैप बना दिया, इस तरह से फिंगर हटा दी, तो इस तरह से बीच बीच में से हमने क्या किया, इसको कट करके फिंगर शेप बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, आपने गैप बन गया बीच में, और ऐसे बनने से बीच में से शीट लिया और कट किया और उसको हमने रिमूव कर दिया। ऐसा करने से व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट ऑसिलेट्स फॉर सम टाइम, जब इसको ऑसिलेट कराते हैं इट डजंट ऑसिलेट, व्हेन यू अलाउ दिस शीट टू ऑसिलेट देन इट ऑसिलेट्स फॉर सम टाइम समटाइम्स, तो ये ऑसिलेट नहीं करती, ये कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट करती है, क्यों करती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता देन इट ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो देयर आर थ्री कंडीशंस, कंडीशन वन इन विच वन शीट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी आइदर इन दिस शेप और इन दिस शेप, केवल एयर फ्रिक्शन की वजह से ऑसिलेशंस डाई होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है और खत्म होते हैं। दूसरे केस में आपने बताया जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं तो ऑसिलेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन शो करता है इसके अंदर करंट डेवलप हो गए, वो इंड्यूस करंट एडी की शेप की होगी तो इसलिए एडी करंट डेवलप हो गया है, और कितना एडी करंट डेवलप हुआ है वो क्या करेगा, अपोज करेगा कॉज का, और कॉज क्या है, रोटेशन, तो रोटेशन का जब अपोज करेगा मैग्नेटिक में रोटेट ही नहीं होगा, इट विल स्टॉप रोटेटिंग दिस और इट स्टॉप ऑसिलेटिंग इट, आप रोटेट कराएं ऑसिलेट कराएं दोनों ही केस के लिए ऐसा ये उसको स्टॉप करेगा, लेकिन जब इस केस को आप लेते हैं फिंगर शेप बनाते हैं तो ये इस तरीके से क्या करने लगता है, कुछ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें करंट्स को आपने आई को मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज का मतलब आई को डिक्रीज कर दिया, आई को डिक्रीज कर दिया, आइकन से आई डिक्रीज, आई कैसे डिक्रीज हो गया, आई इसलिए डिक्रीज हो गया आपने कंडक्टिंग पाथ बढ़ा दिया, पहले देखिए कंडक्टिंग पाथ कौन सा था, ये था कंडक्टिंग पाथ, अब करंट यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से होकर जाएगा करंट, फिर करंट यहाँ से ऐसे आएगा, फिर करंट यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा, देखिए इस तरीके से करंट का रास्ता बनेगा, ये करंट का रास्ता बनता चला जाएगा, अब करंट यहाँ से जाएगा फिर इधर से होकर आएगा, अब ये बीच में पाथ नहीं है, ये बीच में रास्ता नहीं है करंट के लिए, और जब करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो आप जानते हैं जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड वेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द करंट डिक्रीजेज। तो आपने ये अरेंजमेंट करने के बाद में ये आपने प्रूव कर दिया है द करंट डिक्रीजेज, सो दीज एडी करंट डिक्रीजेज इन दिस केस, सो दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट द एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द मेटेलिक शीट वेदर इट इज मेड ऑफ कॉपर इट इज मेड ऑफ आयरन और एनी अदर मेटल वेन इट इज oscillating in the magnetic field, and these currents can be reduced by just taking this sheet in the finger shape. Shape means the strips have been cut in it, there are small cuts in the sheet to make it finger shape, then the current is minimized or reduced. And how can you say the current is minimized? Because it starts oscillating for long time as compared to this one. तो बच्चों एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे हम एडी करंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा एक दो एक्सपेरिमेंट हम और भी बता सकते हैं, चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम और बता देते हैं जिससे एडी करंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं, हम कंसीडरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर टू, और देखिए इस एक्सपेरिमेंट टू में क्या करते हैं, कोई एक सिलिंड्रिकल आप लेकर के आयरन कोर लेकर के उस पर क्या करते हैं सोलेनॉइड आप बना दीजिए, ये सोलेनॉइड बना दीजिए, और इस सोलेनॉइड में आप क्या करें यहाँ आप एक की ले लीजिए और इस की को एक आप इसको एक सेल से कनेक्ट कर दीजिए, आइदर यू कनेक्ट थ्रू अ सेल और यू कनेक्ट फ्रॉम एसी सोर्स जिसमें चेन होता है, आप दोनों से ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई मेटेलिक डिस्क रख दीजिए, इस पे कोई भी मेटेलिक डिस्क इस पर रख दीजिए, मेटेलिक डिस्क, ठीक है, ये अरेंजमेंट एक इस तरह से कर दीजिए जैसे हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर बताया जाए, कोई वायर आप ले लें, सपोज दिस इज अ वायर, हम कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की, अगर यहाँ से कोई लीड मिल जाती है तो देखो ऐसे बनाते हैं, ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ऐसे सिलिंड्रिकल वेसल क्या है, कोई सिलिंड्रिकल कोई भी कंडक्टर है, कोई आयरन का कंडक्टर ले लीजिए और इस पे आप ये वायर ले और इस वायर को आप ऐसे लपेटते चले जाएं, आप इस तरह से वुंड करते चले जाएं, और जब आप इस तरीके से इसको आप वुंड करते जाएंगे तो क्या बन गया, एक सोलेनॉइड बन गया कि नहीं, एक सोलेनॉइड बन गया, और जब ये इस तरह से एक सोलेनॉइड बन जाएगा तो क्या करें इसके दोनों एंड पे क्या फ्लो करा दे, करंट फ्लो करा दे इसमें, और जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसके ऊपर एक शीट रख दें, यहाँ टॉप पॉइंट पे एक शीट रख दीजिए, और जब यहाँ शीट रखेंगे जैसे ही हम यहाँ स्विच को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करते हैं, एज सून एज वी क्लोज दिस की द शीट दिस शीट मेटेलिक शीट इज थ्रोन अपवर्ड्स, जो शीट उसके ऊपर रखी है यहाँ आप स्विच ऑन करो वो ऊपर थ्रो हो जाएगी, फिर यहाँ से उसको रखिए फिर स्विच ऑन कीजिए फिर वो ऊपर जाएगी, आप रखते इसके ऊपर है जैसे स्विच ऑन करते हैं उसको ये थ्रो कर देता है ऊपर की डायरेक्शन में, अब ऐसा क्यों होता है,
बाइट हैपन्स, देखिए ऐसा इसलिए होता है, आप जानते हैं जब इसमें से करंट इसमें से फ्लो करेगा देन इट विल टेक सम टाइम टू बिकम्स मिनिमम टू मैक्सिमम, जीरो से आई एम्पियर तक बढ़ने में ये कुछ टाइम लेगा, और जब कुछ टाइम लेगा तो करंट क्या होगा, टाइम वेरिंग करंट होगा इंक्रीजिंग, और जब टाइम वेरिंग करंट होगा तो बी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, जब आई इसमें इंक्रीज करेगा तो बी इंक्रीज करेगा, और बी अगर इंक्रीज करेगा तो फाई भी इंक्रीज करेगा, और अगर फाई इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा ई अपॉन आर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़े हैं इसमें बच्चों। तो यहां से आई इंक्रीज होगा, इट विल टेक द टाइम ऑफ मिलीसेकंड टू बिकम्स मैक्सिमम, इन दिस ड्यूरेशन द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, ईएमएफ विल इंड्यूस, करंट विल बी इंड्यूस्ड, और ये जो करंट इंड्यूस होगा इसकी वजह से आप जानते हैं कि इधर मान लीजिए नॉर्थ पोलरिटी बनी, सपोज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज देयर नॉर्थ पोलरिटी, तो जो नॉर्थ पोलरिटी बनेगी, जो शीट रखी है इसके ऊपर, इसमें करंट इंड्यूस होंगे, और वहां भी कौन सी पोलरिटी डेवलप होगी, नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होगी। देखो कैसे हो जाएगी नॉर्थ पोलरिटी, ये आपने पढ़ा था, ये हमने बताया था, ये कोई नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जब नॉर्थ पोल इधर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है तो कौन सा पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल डेवलप होता है, साउथ इधर आएगा तो कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। तो यानी कि इसमें जो एडी करंट्स बनेगा शीट के नीचे की साइड में कौन सा पोल जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल, और यहां भी इसका सोलेनोइड का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द शीट रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड, देन इट विल बी थ्रोन अपवर्ड्स, इसको ऊपर थ्रो कर देंगे। और ऐसे ही अगर हम यहां पर एसी सोर्स लगा देते हैं तब भी ऐसा ही होगा, एसी सोर्स में तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो इसमें तो हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन करंट का एक होगा, अगले हाफ साइकिल में डायरेक्शन बदल जाएगा, पहले आधे साइकिल में नॉर्थ पोल बनेगा तो अगले आधे साइकिल में साउथ पोल बनेगा, एंड दिस डिस्क इज थ्रोन अपवर्ड्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन इट, और इसके अंदर जो करंट डेवलप होंगे शीट में वो कैसे करंट्स होंगे, एडी करंट्स होंगे। सो दीज आर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द एडी करंट्स, उनके बेस पर हम एडी करंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए एडी करंट्स को अभी तो हमने बताया कि इनको खत्म नहीं कर सकते, इनको आप कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, इनके इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बच्चों एडी करंट्स के। देखिए एक सबसे बढ़िया एप्लीकेशन हम बताते हैं, स्पीडोमीटर में होता है, स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या है, कार है, स्कूटी है, सब में स्पीड में मेजर करने का मीटर लगा होता है, आप कार चला रहे हैं आप बता देते हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं उसमें सादा स्केल बना होता है, स्केल बता देता है कि क्या है, उसमें हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एडी करंट्स का। अब कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए उसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ड्रम होता है, और वो सिलेंड्रिकल ड्रम होता है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे व्हील रोटेट करता है उसके साथ साथ वो रोटेट करता है, बेसिकली उसमें मैग्नेट रोटेट करता है, तो उसमें और मैग्नेट के अंदर को ड्रम होता है, और जब मैग्नेट के अंदर को ड्रम होता है वो अगर रोटेट करेगा, उसका एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है, अब स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग से उसको हम स्ट्रेच करके और इसको फिक्स करके अब ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं जिससे मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेट है वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट होंगे सिलेंडर में, और जो वो ड्रम होता है उस ड्रम में अगर उस पर टॉर्क लगेगा, और जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की वजह से क्या होगा, वो टर्न करेगा, रोटेट करेगा, और उसी से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, नीडल कनेक्ट कर दिए, तो जो स्पीड से आप जिससे आपके व्हील से कनेक्टेड होता है जब उससे कोई मैग्नेट रोटेट करता है, और उस मैग्नेट के अंदर क्या रखा हुआ है, कोई भी आपने कंडक्टर रख दिया है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो पॉइंटर पे क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपने गैल्वेनोमीटर में भी पढ़ा था, वो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट था, जब करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट हैपेंस, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी वो भी जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट होगा, और जब इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जितने स्पीडोमीटर्स होते हैं उनमें आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एनर्जी मीटर्स भी यही होते हैं, एनर्जी मीटर्स क्या होते हैं, जितने एनर्जी मीटर्स होते हैं वो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, और इसमें एक ब्रेक्स भी होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ब्रेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ब्रेक क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपका डिस्क है वो रोटेट करती है, अगर मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन का व्हील रोटेट करता है, उसमें डिस्क भी क्या करती है, रोटेट करती है, और उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम से प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, तो वो क्या करती है, वो अपोज करती है, किसका, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, और जब अपोज करती है तो हमने ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट बनाया जिससे कि वो ब्रेक्स क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्यों, मोशन की वजह से क्या डेवलप हुआ है, मोशन की वजह से ही उसमें करंट डेवलप हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, और वो करंट उसके मोशन का अपोज करेंगे तो ब्रेक्स काम करेंगे।
और एक इसमें आता है बच्चों, नेक्स्ट और एक एप्लीकेशन बताते हैं जिसको डायथर्मी भी कहते हैं। डायथर्मी बेसिकली, डायथर्मी किसी बच्चे ने नाम सुना होगा, उसको डीप हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब ये डीप हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? ये डीप हीट ट्रीटमेंट ये होता है, ये मेडिकल साइंस में यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो गया, बॉडी में आपने सुना होगा हाथ पैर में आपका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया और वहां अंदर रोड डाल दी है या कोई प्लेट डाल दी है, मेटेलिक प्लेट, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जो हड्डी बोन्स होते हैं उनको, बोन्स को बीच में रखते हैं, वो बीच में क्रैक हो गई, उनको आपस में ऐसे मिलाते हैं, दो हड्डी आती है बीच में अलग हो गई, इनको ऐसे मिलाया और यहाँ एक शीट इधर लगाया, एक शीट इधर लगाया, उनको यहाँ से क्लैंप कर दिया जिससे कि वो अंदर आ गया। अब वहां कोई मॉइस्चर है मान लीजिए, और वहां आपको क्या करना है, डीप हीट ट्रीटमेंट देना है। डीप का मतलब है बॉडी के अंदर बोन्स तक जाने के बाद में आपको हीट करना है, हीट करने के बाद जिससे कि इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन क्या हो जाए, ड्राई कर जाए। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर बाहर से आप रेडिएशन डालेंगे तो बाहर से रेडिएशन क्या करेंगे, जो बाहर की सॉफ्ट स्किन है वो बर्न हो जाएगी यहाँ तक हीट जाते हुए। तो क्या करते हैं, ये मेटल है अंदर और इस मेटल के आसपास आपने अपने हाथ रखा और उसके अंदर क्या किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस मेटल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। And when there is a change of the magnetic flux in the of the sheet, then what will happen? Current will be induced in it, and these currents are in the form of eddy currents. And due to these currents, heat will be produced in the sheet. इस sheet के अंदर heat produce हो जाएगी, और वो heat produce होने से क्या होगा कि जो आसपास का region है जहाँ आपने इसको रखा था, उस deep heat treatment इसको कहते हैं, तो ये भी एक purpose आपका solve हो जाएगा। तो medical science में भी इसका हम use करते हैं, इस process को diathermy कहते हैं, जिसको deep heat treatment कहते हैं। Another application of किसका बच्चों, eddy currents का। और आगे हम इसको एसी जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सब में हम पढ़ेंगे इनको, करंट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उसमें जो आपका, जब दो कॉयल हम बताएंगे ट्रांसफार्मर में, जब दोनों साइड्स पर कॉयल को हम वाउंड करते हैं किसी भी मेटलिक शीट पर, तो उनको जो किसी मेटल पर, तो उनको शीट की फॉर्म में ले लेते हैं, लेमिनेटेड शीट बना देते हैं। वो भी लेमिनेटेड शीट इसलिए करते हैं कि उनके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एडी करंट्स को मिनिमाइज करते हैं, एडी करंट्स को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस हैं बच्चों इसमें ऑफ दीज एडी करंट्स। ये तो एडी करंट्स क्या होते हैं, फोकॉल्ट करंट क्या होते हैं, इनका नाम एडी करंट्स क्यों होता है, इन्हें फोकॉल्ट करंट क्यों कहते हैं, किस शेप के होते हैं, वेदर दीज आर द इंड्यूस करंट और नॉट, हाउ कैन दीज करंट्स बी मिनिमाइज, हाउ कैन यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई देर आर एडी करंट्स इन द सॉलिड पीस ऑफ द कंडक्टर, वट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स। इस पे वन मार्क के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, तो ये आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट्स।